भिलवाड़ा में कोरोना कर्फ्यू में ढील के दूसरे दिन प्रताप नगर पूर्व और सदर थाना क्षेत्र के लोगों को खरीदारी करने की छूट दी गई है। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेटिंग कर अनावश्यक घूम रहे लोगों पर भी कार्रवाई की है। वहीं बाजारों में भी दुकानदारों ने प्रशासन की गाइडलाइन के आधार पर दुकानों को खोलकर लोगों को सामग्री वितरित की। कर्फ्यू की डील का दूसरा दिन है। आज पूर्व थाना क्षेत्र, प्रताप नगर थाना क्षेत्र और सदर थाना क्षेत्र को छूट दी गई है। वहाँ के नागरिक शहर में और आजाद नगर क्षेत्र में या प्रताप नगर क्षेत्र में आके खरीदारी कर रहे हैं और आवश्यक काम है जो निपटा रहे हैं। हम आपको बता दें कि इसमें जो आवश्यक वस्तुओं की चीज़ों की दुकान है वही खुल पा रही है, बाकी दुकानें नहीं खुल पा रही हैं। जो अपने लगातार जो जिनको कमी है, आज 54वां दिन है कर्फ्यू का और 54वें दिन बाद जो डील मिली है, लोग बाग आ रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों से, अपने अपनी कॉलोनी से और सामान ले रहे हैं। तो हम बात करते हैं जो ये ग्राहक जो अपने खरीदारी करना है कि सर आप कितने दिन बाद क्या खरीदना है? तो यहाँ महालक्ष्मी बेकरी पे लेना है सामान, ब्रेड्स, रस के छोटे मोटे आइटम जो है वो। कौन से क्षेत्र से आए हैं आप? बापू नगर, भिलवाड़ा से ही प्रॉपर। बापू नगर क्षेत्र से सिटी में आने में आपको कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हम बात करते हैं कि जो ये दुकानदार हैं जो अपने सोशल डिस्टेंसिंग की पूरे पालना करते हुए सामान दे रहे हैं, तो सर आप बताएं कि बिल्कुल जब गवर्नमेंट जो ये बाहर गाइडलाइंस दी गई उनको हम फॉलो कर रहे हैं और जो ये सैनिटाइजर हर कस्टमर को सैनिटाइजर का यूज करा के फिर माल दे रहे हैं और पेमेंट में भी हम क्या है कि ऑनलाइन पेमेंट भी ले रहे हैं। तो पेमेंट नहीं लेना तो आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं और वही सब दूरी मास्क लगाकर सारी जो है फॉलो कर, गवर्नमेंट की जो भी है गाइडलाइंस उनको फॉलो कर रहे हैं। जैसे हमने इनसे बात की कि पूरी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए, पूरी गाइडलाइन की पालना करते हुए काम कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दे रहे हैं, सैनिटाइजर से हाथ धुला रहे हैं, जिसके पास मास्क नहीं है उसको ये सामान नहीं दे रहे हैं और एक एक मीटर के जो खांचा है उसमें खड़े रहने के लिए हिदायत कर रहे हैं। कैमरा पर्सन गोविंद पाइक के साथ जोगेश शर्मा, एवन टीवी, भिलवाड़ा।